हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ट्रेडिंग लैब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन ऐसे स्टेप्स जिससे कि आप कि ट्रेंड चेंज को पता लगा सकते हैं कि ट्रेंड किसी स्टॉक का जो ट्रेंड है वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ। अगर आपको वो चीज़ पता लगानी है तो ये तीन चीज़ें आप देखिए और इससे आपको पता लग सकता है कि ये ट्रेंड चेंज हुआ है या नहीं। दोस्तों, ये प्राइस एक्शन पे बेस्ड है, इसमें कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं हो रहा है क्योंकि इंडिकेटर लैगिंग होते हैं, लीडिंग दोनों ही होते हैं, लेकिन इसमें हम इंडिकेटर्स की बात नहीं कर रहे, इसमें हम प्राइस की बात कर रहे हैं। और सिंपल जो चीज़ें होती हैं, ट्रेंड लाइन हो गई और हमारे स्विंग हाई स्विंग लोज हो गए, बेसिक जो प्राइस एक्शन जो सही रूप में यूज़ करना चाहिए वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाऊंगा, उसके बाद मैं चार्ट पे लेके जाऊंगा और चार्ट पे प्रैक्टिकल रूप में आपको ये चीज़ दिखाऊंगा कि आप इस चीज़ को कैसे पता लगा सकते हैं कि ट्रेंड चेंज हुआ है या नहीं तीन स्टेप के अंदर। तो दोस्तों, ये मेरे पास कुछ इमेजेस हैं जो मैंने इकट्ठी की हैं आपको ये समझाने के लिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है कि मैंने आपको स्विंग पॉइंट्स के बारे में बताया था कि स्विंग पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे कि मार्केट कैसे चलती है। अगर आप यहाँ देखेंगे कि मार्केट की चाल समझें आसान तरीके से, इस वीडियो में मैंने आपको स्विंग हाई स्विंग लोज की मार्केट, कोई भी स्टॉक या कोई भी सिक्योरिटी कैसे चलती है, कैसे वो ऊपर जाता है, कैसे नीचे जाता है, वो चीज़ मैंने इसमें समझाई है। कोई भी स्टॉक एकदम ऊपर नहीं जाता, वो ऊपर गया, नीचे आया, ये एक लो बनाया, ये एक हाई बनाया, फिर ऊपर गया, ये एक हाई बनाया, ये लो बनाया, फिर एक ये हाई बनाया, ये लो बनाया, फिर हाई लो हाई लो, ऐसे सांप की तरह वो ऐसे स्विंग खाता हुआ चलता है। स्विंग, सांप कैसे चलता है, स्विंग खाता हुआ, तो वो सांप की तरह स्विंग खाता हुआ चलता है। ये मैंने दोस्तों आपको मीन रिवर्जन में भी बताया था, मीन रिवर्जन में भी ये चीज़ बताई है, मार्केट की चाल कैसे समझें इसमें भी बताइए। ये वीडियोस दोनों आपको देखने पड़ेंगे, ये वाला वीडियो आसानी से समझने के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है कि दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करनी पड़ती है। अगर स्टॉक का प्राइस ने हायर हाईज और हायर लो बनाया है, मतलब वो अप ट्रेंड में है, तो आप अपवर्ड की स्लोपिंग ट्रेंड लाइन प्लॉट करते हैं और आप वेट करते हैं कि कब वो उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। ये रूल पहला है, पहला स्टेप आपका ये है कि ट्रेंड लाइन प्लॉट करके आप वेट करेंगे कि उस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का, वेट करेंगे, पेशेंस रखेंगे, जल्दबाजी में ट्रेड कभी नहीं लेंगे। तो आप वेट करेंगे कि यहाँ पे ट्रेंड कब जो है, ये ट्रेंड लाइन कब ब्रेक होती है, और जब ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक होती है तो यहाँ से ही हमारा सेकंड स्टेप शुरू होता है। सेकंड स्टेप क्या होता है दोस्तों, एक और चीज़ दोस्तों, यहाँ पे ये अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है। अगर स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है तो यही ट्रेंड लाइन नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगी, मतलब ये ट्रेंड लाइन डाउन की तरफ स्लोप करेगी और आपको उस ट्रेंड लाइन के मतलब प्राइस के उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाने का वेट करना है, या नीचे जाने का वेट करना है, वहाँ ऊपर जाने का वेट करना है। ये ट्रेंड लाइन की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होती है, ये बहुत ही पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होती है। और ये अगर आपने ट्रेंड लाइन्स हो गई, चैनल्स हो गए, ये सारी चीज़ें और कंटिन्यूएशन पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न्स, ये इन चीज़ों पे मास्टरी कर ली तो दोस्तों मार्केट में यही चीज़ें आसानी से पैसा बना देती हैं, आपको कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत ही नहीं होती। सेकंड आपको ये वेट ये करना होता है कि सेकंड है रीटेस्ट एंड फेलियर का। सबसे पहला है ट्रेंड लाइन प्लॉट करी, ट्रेंड लाइन का ब्रेक, ट्रेंड लाइन ब्रेक, सेकेंड स्टेप आपका रीटेस्ट एंड फेलियर। रीटेस्ट एंड फेलियर का मतलब ये है कि जब वो ट्रेंड लाइन मान लो ब्रेक हो गई तो प्राइस उस ट्रेंड लाइन के ऊपर वापस जाने की करेगा, ट्रेंड लाइन ब्रेक करके प्राइस उस ट्रेंड लाइन को के पास वापस जाने का, प्राइस की टेंडेंसी है, प्राइस उस ट्रेंड लाइन के पास वापस जाएगा और वहां पर उसको टेस्ट करेगा, रीटेस्ट करेगा। और वो टेस्ट जब करता है तो आप ये देखेंगे कि वो टेस्ट करके प्राइस ऊपर निकल जाता है या फिर उस ट्रेंड लाइन पे उसको रेजिस्टेंस मिलती है और वो ट्रेंड लाइन एक तरह से अब पहले जो वो सपोर्ट का काम कर रही थी अब वो रेजिस्टेंस का काम करती है और ट्रेंड लाइन से वो नीचे की तरफ बाउंस बैक लेता है। रीटेस्ट और फेलियर का वेट करना है कि ट्रेंड लाइन का पहला ब्रेक का वेट करना है, फिर उसके ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट होने का वेट करना है और फेलियर होने का वेट करना है। थर्ड जो है आपने ये देखना है कि जो पिछला लो था, प्राइस ने जो पिछला लो बनाया था, मान लीजिए ये प्राइस ने ये लो बनाया, इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा, रीटेस्ट करा और ये वाला तीसरा लो था, इस वाले लो को इसने, इस लो के नीचे वो फेल कर गया, इस लो के नीचे वो फॉल कर गया, इस लो के नीचे उसने कोई बियरिश कैंडल बनाई है, इस लो के ऊपर क्या वो सपोर्ट तो नहीं ले रहा,
क्या वो वहां पे प्राइस को रिजेक्शन तो नहीं मिल रही, और या क्लियर कट वो बियरिश कोई कैंडल बना के वो प्राइस जो है वो नीचे चला गया, तो आपको कंफर्म हो जाता है कि ट्रेंड जो है यहां से बदल चुका है। और ये दोस्तों 80% ऑफ द टाइम ये स्ट्रेटजी चलती है, ये वाली ट्रेंड लाइन की स्ट्रेटजी, ट्रेंड लाइन की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी 80% ऑफ द टाइम काम करती है, 20% नहीं करेगी। मार्केट में मैं आपको जो टेलीग्राम पे कॉल देता हूँ वो भी 80% ऑफ द टाइम चलती हैं, 20% ऑफ द टाइम आपके भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं। मैं इसमें कोई आपको कोई चीज़ छुपाऊंगा नहीं कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होते, मैं वहां लिख देता हूँ स्टॉप लॉस हिट हो गया है इस वाले ट्रेड में, ये सपोर्ट नहीं हुआ मार्केट। तो ये आपकी स्किल पे डिपेंड करता है कि आप ऐसे ट्रेड्स ढूंढें कि जो जिनमें स्टॉप लॉस के हिट होने के चांसेस कम हैं और आपके फेवर में ज्यादा है, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है 80% ऑफ द टाइम। 85% ऑफ द टाइम आप प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल ट्रेड ढूंढ सकते हैं, लेकिन 15% 10% कोई भी ट्रेडर इतना स्किल नहीं है जो 100% ऑफ द टाइम प्रॉफिटेबल ट्रेड ढूंढे। तो ये वाली स्ट्रेटजी भी आपको क्या करती है, ये प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपको कि ट्रेंड का चेंज पता करना है तीन आसान शब्दों में, तीन आसान स्टेप्स में पता करना है, तो वो आप कैसे पता करें। तो यहाँ पे वो रिटेस्ट हुआ, पहली चीज आपको फिर से बता देता हूँ, पहली चीज ट्रेंड लाइन प्लॉट करनी है, स्विंग हाई स्विंग लो मैं बता चुका हूँ, फिर आपने वेट करना है कि ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक हो रही है, दूसरे में आपको वेट करना है ट्रेंड लाइन को टेस्ट दोबारा रीटेस्ट कर रहा है वो, और तीसरे में आपको वेट ये देखना है कि वो पिछले लो के भी क्या रीटेस्ट करने के बाद उसको रेजिस्टेंस मिली और पिछले लो के नीचे वो चला गया। इसके साथ वॉल्यूम्स को कंबाइन कर सकते हैं आप, वॉल्यूम्स देख सकते हैं, इंडिकेटर्स ना ही देखें इस स्ट्रेटेजी के साथ तो अच्छा है, देखना चाहें आपकी मर्जी है आपकी चॉइस है, लेकिन वॉल्यूम्स को आप कंबाइन कर सकते हैं। वॉल्यूम्स कैसे यूज करते हैं ये भी मैं फिर से दोबारा अच्छे अच्छे वीडियोस में आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी अकेले आप ये समझिए कि आपको ये तीन स्टेप फॉलो करने हैं ट्रेंड के चेंज को पता करने के लिए। ये और ये चीज़ मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, सेगमेंट लेता हूँ, यहाँ पे एक चार्ट है, ये एग्जाम्पल निकाला है मैंने, ये वाली मैंने देखी यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन जो है बना दी है, डाउनवर्ड स्लोपिंग दो स्विंग पॉइंट्स को अंदाजन ये कोई, ये देखिए दोस्तों ऐसे बनेगी, ये एक्यूरेट कुछ नहीं होता इसमें, देखिए ऐसे आप दो लाइनें भी खींच सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है, पूरी एक्यूरेट ट्रेंड लाइन जो है वो नहीं होती है, दो लाइनें आपने खींची। अब देखिए आपने वेट करा कि स्टॉक का प्राइस जो है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, ब्रेक करे, आपने वेट करा कि ये रीटेस्ट कर रहा है, यहाँ पे आके सपोर्ट ली, रीटेस्ट करा और यहाँ से एक बुलिश कैंडल बना के ऊपर चला गया, यहाँ आपकी कंफर्म हो गई 203 पे, आपकी पोर्टफोलियो में ले लीजिए या स्विंग में ले लीजिए, और यहाँ पे बहुत बड़ी मूव्स देखने को मिलती हैं किसी भी स्टॉक में। तो ये ऐसे आप जितना प्लॉट करेंगे लेवल्स को, जितना आप यहाँ पे देखिए ये लेवल है ये लेवल है ये लेवल है, ऐसे लेवल्स को प्लॉट करेंगे और लेवल्स के ब्रेक होने का वेट करेंगे, ट्रेंड लाइन प्लॉट करना सीखेंगे, तो आपको ये चीज़ें परफेक्ट होने लगेंगी, समझ में आने लगेंगी और आप इसमें प्रोफेशनल हो जाएंगे कि आप इसमें कोई भी चार्ट को एनालाइज करना होगा तो एक स्टेज आएगी कि आपको ट्रेंड लाइन प्लॉट नहीं करनी पड़ेंगी, आंखों से देख के ही समझ में आ जाएगा। जब आप मान लीजिए 500 चार्ट्स आप में आपने प्लॉट कर ली ट्रेंड लाइन, तो आप परफेक्ट हो जाएंगे दोस्तों इस चीज़ में, टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस एक्शन बेस्ड। तो दोस्तों ये एक वीडियो था, मेरा प्रयास था, मेरा बहुत एफर्ट लगता है इसको समझाने में, ये एक प्रयास था मेरा आपको समझाने के लिए ट्रेंड लाइन से आप ट्रेंड चेंज कैसे पता करें। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे होंगे, अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस चीज़ की चर्चा कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। हाँ दोस्तों अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स पे प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आगे आने वाले टाइम में आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूं। दोस्तों थैंक यू दोस्तों।